सो बहुत सारे जन ने मुझे कमेंट्स किया था कि मेरा प्रीक्यूल ऐप नहीं चल रहा है, उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन बताओ। तो आज मैं वो सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। फर्स्ट आपको प्ले स्टोर पर जाके वेन ऐप को डाउनलोड करना है। वेन ऐप सबके मोबाइल में है और इजीली मतलब यूज़ होता है, उसका कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। सो वेन ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद जो प्रीक्यूल का ये है इफ़ेक्ट्स है वो भी मैं बताऊँगा कैसे डालने का है। सो वेन ऐप को खोलते हैं पहले, और उसके बाद फिर एक एक वीडियोस को सबको ऐड कर लेना आप अपने VN ऐप से। देखो मैं एक एक वीडियोस को अभी ऐड करने वाला हूँ। न्यू प्रोजेक्ट में जाना है और सब वीडियोस को सिलेक्ट करने का है वन बाय वन। मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ वन बाय वन, एंड देन राइट कॉर्नर पे नीचे एरो का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है आपको। मैं वहाँ पे अभी क्लिक करूँगा। मैंने वहाँ पे क्लिक किया है और ये सब वीडियोस आ रहे हैं। लास्ट वीडियो डिलीट कर देना है आपको, जिसका VN ऐप का वो प्रमोशन है वो डिलीट कर देना है, फिर ऐसा कुछ देखेगा आपको। उसके बाद आपको म्यूज़िक में जाना है। म्यूज़िक में जाके आपको एक म्यूज़िक चूज़ कर लेना है, आपको पहले वो प्ले करना है, आप वही म्यूज़िक क्या, फिर उसके बाद चूज़ करके नीचे कॉर्नर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी म्यूज़िक भी आ गई है अभी। कुछ ऐसा वीडियो है मेरा। उसके बाद आपको गाने को सुनना है, और जहाँ पे आपका आपको कट करना चाहते हैं वहाँ से वो नीचे का कैची का ऑप्शन जाके कट करके वीडियो को डिलीट कर देना। अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो अभी वो नीचे का कैची का ऑप्शन, वहाँ पे मुझे कट करना है। वहाँ पे मैं कैची का ऑप्शन यूज़ करूँगा, एंड देन डिलीट का ऑप्शन पे जाके डिलीट कर दूँगा। तो ऐसे मैं सब वीडियोज़ पे अप्लाई करने वाला हूँ, जहाँ जहाँ मुझे अप्लाई करने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं वैसे ऑप्शन कट कर रहा हूँ, और देन ये मेरा वीडियो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आपको म्यूज़िक और वीडियो को मैच करना है। म्यूज़िक और वीडियोस को मैच करना है। उसके बाद आपको सब वैसा एक प्रॉपर आपको वहाँ पे प्रॉपर वीडियो मिलेगा आपकी आपने एडिट किया हुआ। उसके बाद सिंपली जाके प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड देन नीचे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स है, आपको उसमें से कौन सा भी चूज़ कर लेना है। जैसे कि अच्छा लगे आपको तो वो प्लस के साइन पे जाके आपको चूज़ कर लेना है। ऐसे स्क्रॉल करना है आगे प्लस के ऑप्शन पे जाके, बहुत सारे फिल्टर से उसे चूज़ कर लेना है, इफ़ेक्ट से मतलब उसे चूज़ कर लेना है। मैं धीरे धीरे सबके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, जो अच्छा लग रहा है मुझे उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे उधर उसके अंदर, उन लोग को उनके ऊपर चूज़ कर लेना है उनको, एंड देन वीडियो ऐसा कुछ बन जाएगा, एकदम प्रॉपर वीडियो बनेगा। और जो फर्स्ट वाला क्लिप है, जो फर्स्ट वाला क्लिप है उसके ऊपर क्लिक करना है, एंड देन फर्स्ट वाला क्लिप है उसके ऊपर क्लिक करना है, एंड देन ऐसा बार्स का ऑप्शन आएगा। ऐसा ओपन बार्स बहुत अच्छे लगता है स्टार्टिंग में जब वो खुलता है वीडियो। वो बार मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने उसके ऊपर यूज़ किया, बहुत अच्छा है वो बार, और वीडियो भी बहुत अच्छी लगती है उससे। आप भी एक बार ट्राई कर लेना वो, एंड देन ऐसा कुछ आपका वीडियो बन जाएगा। और देखो ऐसा बार बहुत अच्छा लगता है, आप वैसा यूज़ कर लेना। एंड देन FX का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो FX में बहुत सारे ऑप्शन से नीचे जो वीडियो को शेक कर दे। आपको वहाँ पे कहाँ पे भी FX का ऑप्शन हर क्लिप में यूज़ करना है, जहाँ पे म्यूज़िक शेक कर रही है आपकी तो वहाँ पे आपको यूज़ कर लेना है। उससे भी और क्रिएटिव वीडियो लगेगी आपकी। मैं सबके इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ अभी। FX बहुत सारे FX है, उसको एडजस्ट भी कर सकते हो आगे पीछे। मैं अभी सब क्लिप के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, एंड देन मैं ऐसा धीरे धीरे देख रहा हूँ कैसा लग रहा है वीडियो को, एंड देन अप्लाई कर रहा हूँ। अब भी अप्लाई करके देखो। आपको सिंपली वो नीचे ऊपर कॉर्नर पे एक्सपोर्ट करके ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपके आपको जाके एक्सपोर्ट कर देना है वीडियो को। आपकी वीडियो बन जाएगी तो वहाँ पे जाके एक्सपोर्ट कर देना है आपको वीडियो को। एक्सपोर्ट कर देता हूँ मैं। उसके बाद इंस्टाग्राम खोलना है आपका, इंस्टाग्राम ऐसा कुछ दिखेगा, फिर स्वाइप करके आपको कैमरे के ऑप्शन में आना है। नीचे आपको फिल्टर दिख रहेंगे, लास्ट फिल्टर भी आने का, सर्च करने का आपने को VHS सर्च कर लेना है आपको।
एंड देन मैं अभी सर्च कर रहा हूँ। सो VHS सर्च कर लेने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपके पास। सो एक मिनट, मेरा नेट स्लो है इसके लिए। सो ऐसे बहुत सारे VHS के ऑप्शन आ रहे, तो सेकंड थर्ड आपको उनसे भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है वो। एंड देन वो बहुत क्रिएटिव लग रहा था मुझे, इसके लिए मैंने वो ऑप्शन चूज़ किया। आप भी देखो वहाँ पे क्रिएटिव है, नीचे भी बहुत सारे फिल्टर्स है उसके, तो आपको जस्ट सेव कर लेना है एंड ट्राइड के ऑप्शन में आना है। तो अभी कैमरा पे कुछ ऐसा ट्राइड का ऑप्शन आएगा, सो आपको ब्लैक कर देना है पूरा कैमरा उसके ऊपर हाथ रख के, एंड देन वीडियो को से मतलब कंटिन्यू कर देना है, वीडियो बनाना है उसका एक। सो ऐसा कुछ वीडियो अपने को बनाने का है, एंड देन वीडियो बना के फिर हो जाएगा तो आपको वहाँ पे ऊपर सेव का ऑप्शन आएगा। सो वीडियो को सेव कर लेना है। सो उसके बाद काइन मास्टर में आना है आपको, देन काइन मास्टर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। प्रो न्यू प्रोजेक्ट पे जाके 1916 का रेशियो लेके आपको जो वीडियो आपने VN में बनाया था वो वीडियो को वापस आपको काइन मास्टर के अंदर लेके आना है। सो हमने काइन मास्टर के अंदर लेके आए, सो अपना वीडियो ऐसा है कुछ एकदम प्रॉपर वे म्यूज़िक के साथ मैच कर रहा है। देन आपको और एक क्लिप ऐड करने के लिए और एक क्लिप ऐड करना पड़ेगा उसमें। सो वही वाला क्लिप जो इंस्टाग्राम पे रिकॉर्ड किया था वो वाला क्लिप ऐड कर लेना है, नीचे स्क्रॉल कर लेना है, एंड देन आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन आ रहा रहेगा एंड देन स्क्रीन का ऑप्शन, तो वहाँ पे जाके आपको आपका वीडियो और अच्छा लगेगा। जो प्रीक्वल में सेम सिस्टम है वैसा ही आपको मिलेगा वहाँ पे देखने को। सो आपको जस्ट ऐड कर लेना है वहाँ पे। सो और क्रिएटिव लग रहा है उससे। सो प्रीक्वल ही चाहिए, ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है, आपके क्रिएटिव से और कुछ अलग अलग कर सकते हो। एंड देन जस्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। सो नीचे स्क्रॉल कर लेना है, फिल्टर का ऑप्शन आ जाए कलर फिल्टर्स का। सो वहाँ पे आपको बेसिकली आपको चूज़ कर लेना है आपके हिसाब के फिल्टर्स, आपको जो अच्छा लग रहा है वो। सो मैं ये चूज़ कर रहा हूँ, मेरे को ये थोड़ा अच्छा लग रहा है इसके लिए मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। सो वीडियो और क्रिएटिव लग रही है। सो ऐसे ही कुछ नहीं, प्रीक्वली चाहिए ऐसा कुछ नहीं, आप आपके मोबाइल से भी कैसा भी करके आप कुछ भी करके कर सकते हो ये वीडियो को, बहुत सिंपल है। एंड ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करके देखना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेगी। बहुत सारे वीडियोस ऐसे मैं बनाता हूँ, बहुत सारे न्यू ट्रेंडिंग बनाता हूँ, एंड देन शेयर कर लेना है जस्ट 1080p 1080p 1030p पे। सो सेव कर लेना है, आउटपुट देखो आप।